नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांश। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक घिनौना और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उज्जैन जिले में एक 45 साल की महिला के साथ सरेराह फुटपाथ पर रेप कर दिया गया। इस घटना को एक शराबी ने अंजाम दिया है। पहले आरोपी ने महिला को शराब पिलाई और फिर उसको डस्टबिन के पीछे ले गया और इस करतूत को उसने अंजाम दे दिया। ये घटना उज्जैन जिले के कोयला फाटक क्षेत्र की है। कोयला फाटक क्षेत्र उज्जैन जिले का व्यस्ततम क्षेत्र है, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया, जबकि कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर दिया। पीड़ित महिला उज्जैन में भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और कचड़ा बीनने का भी वह कार्य करती है। आरोपी उसके पास गया और उसको बहलाया फुसलाया, फिर उसको शराब पिला दी और इस घटना को आरोपी ने अंजाम दे दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और महिला को थाने लेकर आई। चीमनगंज थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन ये घटना खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जिले में हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर ही ये घिनौनी घटना हुई है। अब इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया और निशाना साधना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल का मुद्दा गर्म था और पश्चिम बंगाल में रेप की घटना को लेकर भाजपा सरकार लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है और सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश और देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।